नाज़रीन, चंद दिन पहले आप तमाम ने देखा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट से जो 500 रुपए के लेकर जो लोगों को मुश्किल थी, वो मैंने आपको बताया था बैंक ऑफ इंडिया के बारे में। मुझे आज इतला मिली कि यहाँ पे उदयगिरी में SBI बैंक है। संडे होने के बावजूद इन लोगों की मुश्किल देखते हुए बैंक के लोगों ने इनको सहूलत दी है, और मैंने ये भी देखा कि इनको सोशल डिस्टेंस भी मेंटेन कराया गया है। जैसा कि देख सकते हैं, आज जो जरूरी चीज है सोशल डिस्टेंस वो ये है। मैं अभी बैंक के मतलब यानी सीढ़ियां जो हैं वो बैंक के ऊपर जाकर तमाम हालात मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि देख सकते हैं आप, यहाँ पे सीढ़ियां हैं, वो बैंक को जो जा रहे हैं वो यहाँ जो भी खिदमत अंजाम दे रहे हैं, देखिए तमाम अपने अपने पासबुक के साथ बैठे हुए हैं, यानी कतार में है ये लोग। संडे होने के बावजूद सिर्फ 500 रुपए के लिए वो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इंतजार में हैं कि उनकी वक्त कायब आएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे बाकायदा कंप्यूटर सेंटर खुला हुआ है, और जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको सैनिटाइज किया जा रहा है, ताकि वो सोशल डिस्टेंस के साथ साथ सैनिटाइज इसलिए जरूरी है कि इस कोरोना को जो फैल रहा है कर्नाटक में उसको रोका जाए। और जैसे देख सकते हैं आप, मैडम अपने कंप्यूटर के साथ खिदमत अंजाम दे रही है, तमाम को जो भी जरूरी इतला है वो दी जा रही है। जैसा कि देख रहे हैं आप, यहाँ पे मजीद सीढ़ियां हैं, तमाम के हाथों में अपने अपने पासबुक हैं। ये आप बंद्री मनी हो? हाँ, देखिए सुबह 8 बजे आए हुए हैं, लेकिन इंशाल्लाह इनको जो भी इनको जो PMRY की जो अमाउंट मिलने वाली है उस उम्मीद में यहाँ पे बैठे हुए हैं। एक पर्दा खातून भी बैठी हुई है बाकायदा। देखिए मजीद में आगे बढ़ रहा हूँ, इसी क्यू को मैं जा रहा हूँ। देखिए सोशल डिस्टेंस के साथ लोग खड़े हुए हैं, तमाम के चेहरों पर एक उम्मीद है, सिर्फ ये इस बात से उम्मीद लगाई जा सकती है कि आज 500 रुपए की जरूरत कहाँ तक आ पहुंची है लोगों को। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अमीर लोगों को एक पैगाम भी दिया हूँ कि वो इस बात को समझें कि इन जैसे लोगों की मदद करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मजबूरी को बता नहीं पाते, वो अंदर ही अंदर छुपाए बैठे हैं। इस कतार और इस बैंक में लगे औरतों को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि आज भी लोगों को रुपये की बहुत जरूरत है, और 500 रुपये इनको बहुत बड़ी अमाउंट लग रही है। मैं यहाँ बैंक के एक जो जिम्मेदार हैं अरशद साहब, उनसे बात करने वाला हूँ। जी, जो अब आप चाहते हैं वो ले सकते हैं। अच्छा, उसके बहुत सारे फायदे भी हैं। ऐसा बहुत कुछ हो रहा है। मैं तमाम मेरे बैंक के कस्टमर और मेरी बीवी की तरफ से और मेरे तमाम औरतें खातून आई हैं इनके तरफ से मैं आपकी बीवी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। जो अरशद साहब, मेरा सवाल दोबारा वही है कि आप छुट्टी के दिनों में भी आप कर रहे हैं, इसके पीछे आप बताइए। आज संडे है, यहाँ पर लेडीज का 90% है जी, उनको 500 रुपए भी बहुत बड़े। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए मेरा आज छुट्टी में बंद कर आराम करना बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, मैं मेरी बीवी ये तय कर चुके हैं कि हमारा जो 10,000 कस्टमर है पूरे को इसी महीने में 500 मिल जाए। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने देखा हो यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया वगैरह दूसरे बैंक में सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं, उनको यहाँ बात करने वाले तक नहीं है। और कुछ लोग बैंक ऑफ इंडिया छुट्टी है, नहीं पता है, मैं 3 दिन पहले रिपोर्ट लिया था वहाँ पे, उसकी बात कर रहा हूँ। वो ये की बैंक में ऑल ओवर इंडिया बिल्कुल बिल्कुल है, हाँ जो है, मगर हम मैं मेरी बीवी तो तय कर चुके हैं, क्योंकि मेरी स्कूल भी है। बिल्कुल, यहाँ के बहुत सारे बच्चे इनके वालिदैन भी फोन कर इतनी गुजारिश करे थे जी की आज हम ना 100 रुपए की नोट देख को 15 दिन होगा जी। ऑटो ड्राइवर है, 100 रुपए देखकर 500 जब मिल रहे हैं प्रधानमंत्री जनाब मोदी साहब की तरफ से, तो वो देखकर खुश होकर आंखों को लगाकर 500 रुपए की अहमियत आज वो है जी। 100 रुपए देखकर जी 15 दिन हो गया था, क्योंकि पूरा लॉकआउट है, कोई डिस्टेंस नहीं है, उसे कोई रोज माशरा नहीं है, तो ये भी बहुत सारा है। इसके अलावा जो है उनको हमें एंकरेजमेंट के तौर पर हमें ऐलान भी करे हैं, जो भी अहबाब इस बार उनके बच्चों को हमारे स्कूल में जमाते हैं उनके लिए डोनेशन भी नहीं है, बुक्स लिखने की बुक्स फ्री है, उनके लिए फीस कंसेशन है, इंस्टॉलमेंट है, और उनके लिए यूनिफॉर्म फ्री है, ये भी हमने ऐलान किया है। बिल्कुल, ऐसा बहुत सारे जो भी हो सकता है, परसों 200 बैग अनाज दिए हैं हमारी तरफ से, ऐसा जो भी हो सकता है हम कर रहे हैं। तो आने वाले छुट्टियों में भी आप काम करेंगे? कंटिन्यूसली होगा, इस महीने में 10,000
कवर करना बोलते हैं, नेक्स्ट मंथ में और 500 बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये रश नेक्स्ट मंथ भी होगा, तो इसलिए आप कवर करना चाह रहे हैं और नेक्स्ट मंथ और ज्यादा हो, इसलिए हमारे 7 बजे से सुबह 7 बजे तक इंशाल्लाह जब तक हमारा सर्वर रहेगा जी, हम 7 से 7 तक हमारा सर्वर है जी, हम वर्क कर रहे हैं। तो इस कोरोना के बीच में आप वाकई सोशल डिस्टेंस को भी मेंटेन कर रहे हैं और सैनिटाइज भी कर रहे हैं, ये बेहद जरूरी था। मैं मुबारकबाद देता हूँ आप अपने बीवी को कि इस तरह काम करते रहें ताकि लोगों को फायदा होता रहे। वो स्कूल की प्रिंसिपल भी हैं। बिल्कुल, ये भी काम अंजाम दे रही है। शुक्रिया है हमारे से बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर।